गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सभी। देखिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.5, जिससे पहले हमें क्या करने थे, एग्जाम्पल करने थे, वो हम कर चुके हैं कल की वीडियो में। अभी देखिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब जैसे इस तरीके से सीता गीता वाला किया था ना, इसी तरीके से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर मल्टीपल्स शो करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 एंड 7, 5 एंड 7 का हमें मल्टीपल्स देखने हैं और इसमें फिर एलसीएम बताना है, राइट। आप सबसे पहले 5 की टेबल, या फिर ऐसे कर सकते हो 5 की टेबल से याद रखो, या फिर 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आएगा 5 इंटू 1 का, जो 5 का फर्स्ट मल्टीपल है 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35। आपको इस तरीके से ये मल्टीपल करके शो नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर लाइन पर शो करना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आपको 5 की टेबल भी आती है ना, तो आप उस नंबर तक ले जा सकते हो जब तक आपको कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता, ठीक है। आप स्केल की हेल्प से कीजिएगा और कॉमन डिस्टेंस रखिएगा इनके बीच, मतलब 0 से 5 के बीच मैंने इतना डिफरेंस दे दिया, फिर यहाँ पे 20 और 30 के बीच थोड़ा सा दिया, तो आप स्केल से करोगे अच्छे से, इक्वी डिस्टेंस पे रखना इनको। इक्वी डिस्टेंस मतलब सबका डिस्टेंस एक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो 7 के मल्टीपल भी बताओगे, 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35, 42, 35। देखिए 35 यहाँ पर भी आ चुका है, 35 यहाँ पर भी आ चुका है, तो मैं अब आगे नहीं जाऊंगी, मेरे को फर्स्ट कॉमन क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। लोवेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि 35 से पहले कोई और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो लोवेस्ट भी कौन सा होगा, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल है कि आपको तब तक काउंट करना है जब तक आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता, और जब वो मिल जाता है वही क्या होगा, एलसीएम होगा। अभी देखिए बी पार्ट, 3 एंड 5 दो नंबर दिए हैं, इनके बीच का एलसीएम बताना है। तो देखिए 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मैंने 21 तक ले लिया। अभी देखिए 5 की टेबल आप जैसे ये भी चाहो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, 5 इंटू 1 करके 5 लिखो। मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ पर मैंने 0 लिखा, आप चाहो तो सीधा नंबर से भी शुरू कर सकते हो, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कॉमन तो निकालने वाली हूँ नहीं, तो मैं 3 से और 5 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। 3 हो गया, 6 हो गया, 9, 12, 15, 18, 21, इससे आगे भी हो सकता है अगर आपको कॉमन मल्टीपल पहले नहीं मिलता। तो देखिए 5 के मल्टीपल्स आएंगे 5, 10, 15, 20, 25। अभी देखिए 15 एंड 15, इससे पहले क्या कोई कॉमन है, नहीं है, तो 15 हमारा कॉमन मल्टीपल आ गया फर्स्ट वाला, और फर्स्ट ही कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है, राइट। अभी देखिए इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट करने हैं, ओके, आपको इनके मल्टीपल्स बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। अभी तक हमने क्या किया, नंबर लाइन पे इस तरीके से शो किया इनको, लेकिन अब क्या करना है हमें, सीधा डायरेक्ट क्या करना है, हमें मल्टीपल्स को लिख कर बताना है। जैसे 9 एंड 63 फर्स्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट देखिए 9 का मल्टीपल्स, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 3 से मल्टीप्लाई किया 27, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल्स मिलते हैं। मैंने पहले 10 मल्टीपल्स लिख लिए, यानी कि 9 की पूरी टेबल लिख ली मैंने, ठीक है। टेबल कैसे बनती है, ऐसे ही तो बनती है, 9 इंटू 1 करके, 9 इंटू 2 करके, है ना, इसी तरीके से बनती है ना, तो मैंने टेबल लिख ली। अभी देखिए 63 में के भी मल्टीपल्स निकालने हैं, फर्स्ट क्या होता है 63 का, 63 होएगा। अब 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होएगा, 6, 12, 126 होएगा। लेकिन क्या मुझे यहाँ तक जाने की जरूरत है, नहीं ना, क्योंकि देखो 63 मेरे को यहाँ मिल गया और 63 ही मेरे को यहाँ मिल गया, तो दोनों का एक कॉमन मल्टीपल मिल गया ना, है ना, 63 ही यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, कॉमन जो मल्टीपल आया वो क्या आया,
63 और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही मैंने बताया है आपको क्या होता है, वो होता है हमारा एलसीएम। तो 63 ही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अभी देखिए पार्ट बी, 5 एंड 55। 5 के मल्टीपल्स आपको पता है क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। 5 के डिफरेंस पे चलते हैं ना मल्टीपल्स, 5 के पहाड़े में है ना, ऐसे ही चलते हैं ना टेबल में। अभी देखिए सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 55। 5 के हमने मल्टीपल्स निकाल लिए, अब निकालते हैं 55 के। तो 55 का फर्स्ट ही मल्टीपल क्या होता है, 55 होता है। नेक्स्ट होता है 110। लेकिन क्या मुझे फिर से यहाँ तक आने की जरूरत है, क्योंकि 55 कहाँ पर है, ये रहा। जब मैं 5 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 55 मुझे कॉमन मल्टीपल मिल गया है, तो मैं आगे जाना पसंद नहीं करूंगी। मुझे एलसीएम बताना है, तो मैं क्या बताऊंगी, सीधा जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया है वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सी पार्ट है, इसी तरीके से डी और ई पार्ट है। ठीक है, 11 × 11 होता है 121। ठीक है, अभी देखिए इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगी आज, आप ये 2 क्वेश्चन ही कीजिए। ओके, इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से नोटबुक में, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आपको तब तक मल्टीपल्स निकालने हैं जब तक आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता, और जो हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। ओके, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।